मौत की सुरंग। हमारे देश में ऐसी बहुत सी रहस्यमय जगह हैं जिनके राज अभी खुलना बाकी है। उनमें से ही एक है यह सुरंग। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बनी इस सुरंग के लिए कहा जाता है कि इसमें आज तक जो भी गया इसी में समा गया, लौट कर वापस नहीं आया। यह सुरंग करीब 350 साल पुरानी है और इसे औरंगजेब ने बनवाया था। इसका नाम है बाग बादशाही। फतेहपुर जिले के खजुआ गांव में स्थित इस रहस्यमय सुरंग के बारे में वहां के स्थानीय लोगों की माने तो इस सुरंग में यदि कोई भूल से भी अंदर चला गया तो फिर कभी लौट कर नहीं आया। बताया जाता है कि एक बार गांव में शादी थी और बराती इस सुरंग को देखने अंदर गए लेकिन कभी वापस नहीं आया। इतना ही नहीं, इस सुरंग के बारे में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जी हाँ, यहाँ के लोग बताते हैं कि यह सुरंग कोलकाता से पेशावर तक जाती है, हालांकि अब इसे बंद कर दिया गया है। जानकार बताते हैं कि उस समय यहाँ पर शाहजहां के बेटे शाह जुजा का राज था। औरंगजेब ने भी इसे हड़पने के लिए कई बार आक्रमण किया लेकिन हर बार हार गया। हालांकि 5 जनवरी 1659 को औरंगजेब ने फिर हमला किया और इस बार उसे जीत मिली। जीत की खुशी में ही औरंगजेब ने इसे सुरंग का निर्माण करवाया। बाग बादशाही में पूर्व की तरफ 3 मीटर ऊंचे चबूतरे में 2 बारादरी बनी हुई है। इनमें विशाल कमरे बनाए गए थे और बारादरी के सामने सुंदर तालाब था। बाग बादशाही के बीच में कुआं भी बना हुआ है। जानकारों की माने तो औरंगजेब बारादरी में रहता था जबकि बारादरी के सामने बाग था। उत्तर की तरफ 3 बड़े बड़े कुएं बनाए गए थे, यह कई हजार फीट गहरे हैं। यहाँ पश्चिम में एक विशाल गेट है जबकि दूसरा गेट खजुआ गांव की तरफ है। इन गेट के ऊपर चढ़कर पूरे बाग बादशाही का नजारा देखा जा सकता है। पत्रिका.com की विशेष रिपोर्ट।